नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इकू 9 5G वर्सेस OnePlus 10R 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो इकू 9 5G में 6.26 इंच जबकि 10R 5G में 6.43 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो इकू 9 5G में 2.96 इंच जबकि 10R 5G में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो इकू 9 5G में 0.34 इंच जबकि 10R 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो इकू 9 5G में 200 ग्राम जबकि 10R 5G में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो इकू 9 5G में AMOLED जबकि 10R 5G में फ्लूइड AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो इकू 9 5G में 20:9 जबकि 10R 5G में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो इकू 9 5G में 6.56 इंचेस जबकि 10R 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन इकू 9 5G में 1080x2376 और 10R 5G में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इकू 9 5G में 86.95% जबकि 10R 5G में 87.9% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो इकू 9 5G में 398 पिक्सल प्रति इंच जबकि 10R 5G में 394 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो इकू 9 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है और 10R 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो इकू 9 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 10R 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो इकू 9 5G में Adreno 660 जबकि 10R 5G में Mali-G 610 MC6 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो इकू 9 5G में Qualcomm Snapdragon 888 Plus और 10R 5G में MediaTek Dimensity 8100 Max मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 8GB 12GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी इकू 9 5G में 4350 mAh जबकि 10R 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो इकू 9 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 42,990 रुपीज़
12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 46,990 रुपीस में मिल जाता है। वहीं अगर बात करें 10R 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 38,999 रुपीस, 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो IQOO 9 5G में 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें OnePlus 10R 5G की तो उसमें 6 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 10R 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है, दूसरा गूगल पिक्सल 4a है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी A72 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।